की अब तक? क्योंकि तुम्हें किसी लड़की ने घास नहीं डाली होगी। अरे नहीं यार, इसलिए कि मैंने तुमसे वादा किया था। तुमने मुझसे शादी ना करने का वादा किया था? नहीं नहीं, वादा तो मैंने कुछ और किया था, याद करो। यार तुम जब से आए हो बार बार किसी वादे का जिक्र कर रहे हो, मुझे वो वादा याद क्यों नहीं आ रहा? याद करो, आज से 14 साल पहले जब हम दोनों छोटे छोटे थे। ओह गॉड, 14 साल पहले हम छोटे ही थे। मैंने तुम्हारे हाथ पर हाथ रखा था, यूं। कुछ याद आया? लिसन, तुम वादा याद करा के ये सस्पेंस तो खत्म करो। मैंने वादा किया था। क्या वादा किया था, अब आगे भी तो बढ़ो। मैंने वादा किया था कि मैं एक ना एक दिन पाकिस्तान आऊंगा, और मैं आ गया। थैंक गॉड, यही वादा था। अच्छा नौशीन, कराची में तो ड्राइव करना बड़ा मुश्किल काम है भाई, ट्रैफिक की सिचुएशन देखते हुए। मैं खुद ड्राइव करती हूँ तो मुझे पता है। आप करती हैं? आई यूज्ड टू ड्राइव, नॉट एनीमोर। अब नहीं करती। अब नहीं करती? ड्राइवर होता है साथ में? ड्राइवर होता है या काम पे, काम की गाड़ी आ जाती है, पिक एंड ड्रॉप होता है तो मुझे कोई। क्यों, अब क्यों नहीं करती? मुझे शौक है वैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, कभी 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 तो दिल करता है जब आप अनवाइंड करना चाहते हैं तो यू वांट टू हैव लाइक योर ओन, व्हेन यू वांट टू हैव योर ओन टाइम, अकेले गाड़ी में वो यही ट्रैक हो, म्यूजिक चल रहा हो, तो वो तो है, लेकिन ज्यादा नहीं। मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है? बहुत बुरा। कब? अरसा हो गया इस बात को, बट बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे लगता है मुझे जो दूसरी जिंदगी मिलनी थी वो शायद अल्लाह ने दी इसलिए थी क्योंकि मैं बेल्ट पहनती हूँ। अच्छा। तो ये जो while driving I see so many people, they don't wear belt, most of them, especially men. kya hua tha? aankh lag gayi thi, waqai neend mein thi. yeah, I just, main koi ek second ke liye meri aankh lag gayi thi. ek dafa mere sath aisa hua tha, lekin bas aankh lagne wali thi, mera to main wo lag hi gayi thi Abdullah Shah Ghazi ke thoda sa piche round about mein, aur phir jab humne andar land, aankh kya khulli bas. बाहर एक चश्मे पहनती हूँ तो मुझे चश्मा नजर नहीं आ रहा था, चश्मा कहाँ है मेरा, तो वो किसी ने उठा के दिया कि मैडम आपका तो टूटा हुआ चश्मा बाहर है। सो दिस फैमिली जो जियो वाले साहब थे उन्होंने कहा आई टेक यू टू द हॉस्पिटल, आई वाज लाइक थैंक यू वेरी मच, सो आई टुक अ कैब एंड आई वेंट टू द हॉस्पिटल माई सेल्फ, आई गॉट द यू नो दैट बैंडेज एंड एवरीथिंग डन एंड नेक्स्ट डे आई वाज एट वर्क। ओह, टीवी देखती हैं? हाँ, वैसे पाकिस्तानी नहीं देखती, न्यूज़ चैनल्स हमारी पॉलिटिक्स में सियासत में कोई इंटरेस्ट है? देखती हूँ। कोई वो किसी पार्टी की तरफ है रुझान? अभी तो खान साहब के लिए दुआ है, हाँ, और उम्मीद है, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि जिस तरीके से वो इंटरनेशनली हमारी हमारी कंट्री को लेके जा रहे हैं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली दफ़ा कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो आफ्टर बीबी या उनके फादर जो कि इतना इंटेलिजेंटली बात करता है, और एक जब लीडर बोलता है तो दुनिया सुनती है, तो एक वो तो चीज़ है उनकी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बड़े सारे एक्टर्स भी आए हैं सियासत में, तो कभी आपको किसी ने ऑफर की या कोई इस तरह का कि नौशीन पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, ये पार्टी ज्वाइन कर लो? आई थिंक फिज़ा हमें अपनी कंट्री के लिए और अपनी ज़ात के लिए और अपने लोगों के लिए काम करने के लिए सियासत में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही कर सकते हैं। अगर मैं और आप और हम सब एक एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें तो हम सियासत से ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। लेकिन फिल्म्स में तो काम किया जा सकता है ना? एक ही है। हाँ, एक ही है। अली अजमत के साथ किसी फिल्म का चर्चा सुना था, वो अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुई? आई डोंट नो, आई थिंक कुछ, मुझे आई बी ऑनेस्ट विद यू आई एम नॉट अपडेट विद द सिचुएशन, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में, बस बनते बनते एकदम से रुकी है। और थोड़ा बहुत फिल्म के बारे में बता सकती हैं कि किस तरह की फिल्म थी, कहाँ शूट हुई है? शूट तो यही हुई है कराची में ही, मेरा एक गाना था जो हमने थाईलैंड जाके करना था, मैंने और अली ने, उसमें बहुत सारे और लोग थे, आयशा उमर थी, बिलाल अशरफ थे, उर्वा हुसैन थी, अली अजमत थे, बहुत सारे थे, बस वो मैंने नहीं पढ़ी, बट गुड कॉन्टेंट, अच्छी कहानी, बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। अच्छा भाई, आपने जो है अभी अपनी बहन के लिए भी कपड़े लेने हैं, आप जा रही है ना उनसे मिलने के लिए? जी जी, है ना, टू टुमारो। तो बस फिर आज यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। मैं बताऊँ फिजा, मुझे ना एक ये
ये कलर बहुत है ना मुझे बहुत अच्छा. यहाँ है कोई जो हमें हेल्प कर सकता है? कोई? और लुक एट दिस वन. व्हिच वन? दिस वन. यस, वेरी प्रिटी. दिस वन. कलर्स ऐसे किस तरह के पसंद है नौशीन? मुझे इसी तरह के, ये जो पेस्टल कलर्स हैं. हाँ, it depends on the mood also. Kuch Eid type lena hai ya normal? I think casual festive. What do you think about this? It's nice but mujhe thoda sa colorful. Acha, mujhe ek baat bataye, waise aapki height mashallah 5'8"? Nahi, 5'6½ something. 5'6½. To aksar jaise kapde dhoondne mein bhi masla hota hai ya nahi? Mil jata hai? Mil jata hai. Ha, mujhe kaise dhoondne mein masla hota hai lambi ladkiyon ko? कपड़े ढूंढने में तो होता है, लड़का ढूंढने में. अम्मी ने कभी बोला हाय मेरी बच्ची को कहाँ से ढाके दूंगी इतना लंबा लड़का? हाँ, हुआ है कभी ऐसा? आई डोंट नो. ये आपकी हंसी बता दी कि हो चुका है. सो प्रॉपर डिस्कशन हुई है घर के इस बात पे. नहीं, मुझे आपने बहुत कर दिया है. दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने? मैंने ट्विनिंग करनी है. ओके, ये मेरा हो गया. और 12? 12 भी दिखाइए. मैं थोड़ा सा ना, मुझे कपड़े लूज ही अच्छे लगते हैं. हाँ, अच्छा फिर आप कुछ फिटेड कपड़े आपको अच्छे, आपका क्या मतलब, किस तरह का टेस्ट है कपड़ों में? मुझे कपड़े पहनने का इतना ज़्यादा, नए नए कपड़े बनाने का शौक नहीं है. नहीं है? नहीं है. जूतों का भी नहीं? और मुझे शॉपिंग इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती. रियली? हाँ. अच्छा, मैं तो जूतों के लिए तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती हूँ. मैं मेकअप क्रेजी हूँ. दुपट्टा? मेकअप क्रेजी हूँ. और रिंग्स? रिंग्स. सो यू लाइक ज्वेलरी? आई लाइक ज्वेलरी एंड मेकअप. या ओके, सो यू हैव योर ओन. सी, चलिए हमें आप वो कर दें. व्हाट अबाउट दिस वन? ये भी कर सकती हैं आप. कंट्रोवर्सी. मेरे ख्याल में कोई वाइट अच्छी सी पैंट्स अच्छी लगेंगी इसके साथ. वाइट? कोई वाइट पैंट्स है आपके पास? दिखाएं. ये इसको डल कर रहा है. ये नहीं, वाइट पे ही उठेगा ये. मान ले मेरी बात. एक सेकंड. ये इसमें है?